क्या आप एक स्टूडेंट हो, अभी 10th और 12th में स्टडी कर रहे हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आप जानना चाहते हो कि भाई एमए होता है वो कितने साल का होता है, फिर या एमए जो है कौन लोग कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था बीए के बारे में कि बीए में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, पूरा एक कंप्लीट वीडियो था। और एक मैंने वीडियो अपलोड किया था बीएससी के बारे में, उसमें काफ़ी अच्छे लोगों के रिस्पॉन्स आए और ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई आप जो है एमए कितने साल का होता है इसको बताइए। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमए के बारे में कि एमए क्या होता है और कितने साल का कोर्स होता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए कंप्लीट, आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मैं स्टडी और टेक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार चैनल को विजिट कर सकते हो, अगर पसंद आया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो एमए का जहाँ पर अगर मतलब की बात करें तो जो एमए का फुल फॉर्म होता है वो मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट्स को इसको कहा जाता है। और बेसिकली ये जो होता है एक 2 साल का एक डिग्री कोर्स है जिसको पोस्ट ग्रेजुएशन कहा जाता है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कह सकते हो, या फिर इसको जो है मास्टर डिग्री भी कहा जाता है। यदि आपको नहीं पता है कि बैचलर डिग्री क्या होती है, मास्टर डिग्री क्या होती है, या फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन क्या होता है, फिर अंडर ग्रेजुएशन क्या होता है, या फिर जो है अंडर ग्रेजुएशन को अंडर ग्रेजुएशन क्यों कहा जाता है, तो मैंने इन सारी टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है। आप जो है मेरे चैनल के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आप जाइएगा, वहाँ पर आपको जो जाने के बाद जो है आपको क्लास मील लाइक ग्रेजुएशन ये एक प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पर जो मैंने बेसिक से सारी चीज़ें बताई हुई हैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो मिल जाएंगी, तो आप उसको सबसे पहले वॉच कर लीजिए, आपको सारी चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो समझ में आ जाएंगी। तो बेसिकली यदि बात करें कि जो एमए होता है वो कितने साल का होता है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 2 साल का कोर्स होता है। और जैसे कि आपको पता होगा, जैसे आप बीए करते हो किसी भी सब्जेक्ट से, यानी कि जैसे कि आपको पता है फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ठीक है, 3 साल का बीए होता है। और आपको पता है कि 3 साल में आपको सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, लेकिन जैसे ही आप थर्ड ईयर में आते हो बीए में, तो वहाँ पर आपको जो है 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। तो यदि इस प्रकार आप जो है 2 सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो जाते हैं बीए, यानी आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो बीए में आपने जो सब्जेक्ट लिए होंगे, ठीक है, 2 सब्जेक्ट आपके बचते हैं बीए में, तो आपने जो दो सब्जेक्ट लिए होंगे उनमें से आप किसी भी एक सब्जेक्ट जो है एमए कर सकते हो। और जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले आपको जो है 10th पास करना होता है, यानी 10 के बाद आपको 12 पास करनी होती है, 12 के बाद आप जो सिंपल सा बीए करते हो, और बीए के बाद आप एमए कर सकते हो, आपको तो ये पता ही है। तो बेसिकली आपको एमए करने के लिए पहले सबसे पहले आपको बीए आपका कंप्लीट होना चाहिए, और आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जो बीए है वो कम से कम 50% मार्क्स से ही आपका जो ग्रेजुएट आपका, यानी कि आपकी जो बीए है वो कम से कम 50% मार्क्स से जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए एमए करने के लिए। और आपकी जो बीए में जब अपने 2 सब्जेक्ट जो आपके बचे थे, यानी कि आपके जो 2 सब्जेक्ट बीए में आपने लिए हुए थे थर्ड ईयर में, तो आप उनमें से 2 में से आपको कंपलसरी है कि आपको पहले जो है उनमें 2 में से 1 में से आपको एमए कंप्लीट करना होगा, और उसके बाद आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से फिर डबल एमए ट्रिपल एमए कर सकते हो। और जो ये एमए होता है ये सेमेस्टर वाइज या फिर एनुअल भी होता है, कुछ जो यूनिवर्सिटी या फिर जो कॉलेज होते हैं वहाँ पर सेमेस्टर की भी जो फैसिलिटीज उपलब्ध होती है, या फिर आप कह सकते हो एनुअल की भी होती है। तो बेसिकली सेमेस्टर क्या होता है आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं इसको जानने के लिए, या फिर नेक्स्ट वीडियो हम जरूर जानने वाले हैं कि भाई सेमेस्टर क्या होता है, एनुअल एग्जाम में क्या डिफरेंस होता है। और इस प्रकार से जो आपका एमए होता है वो एक सब्जेक्ट से किया सकता है, ये 2 साल का होता है, और एमए करने के बाद आपको जो है मास्टर डिग्री भी मिल जाती है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में आप समझ गए होंगे भाई एमए क्या होता है। तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आप देखते हैं स्टडी एंड टैक यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।